बीएनडीएसी पार्ट थर्ड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे थे एशिया महाद्वीप की विद्युत। आज अपन बात करेंगे एशिया महाद्वीप में मंदा आकर्षण। एशिया महाद्वीप जहां पर अनेक नदियों के मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं, और इन मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो यहां पर अनेक नदियां बहती हैं। जब इन नदियों में अत्यधिक मात्रा में जल आता है या पक्षी की क्रिया होती है या अपरदन की क्रिया होती है, तो इन क्षेत्रों से जल बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, और जब इन क्षेत्रों से जल बहकर या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो मिट्टी में कटाव लग जाता है, और मिट्टी में कटाव लगने की क्रिया को क्या कहा जाता है? मृदा अपरदन कहा जाता है। जब मिट्टी का कटाव लगता है तो मिट्टी की ऊर्जा शक्ति भी नष्ट हो जाती है, और जब मिट्टी की ऊर्जा शक्ति नष्ट हो जाती है तो इसे मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। मिट्टी की जब उर्वरा शक्ति ही नष्ट हो जाती है तो इसे मिट्टी की क्या कहा जाता है? रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। अब एशिया महाद्वीप में अधिकांश मरुस्थलीय क्षेत्र भी है, और इन मरुस्थलीय क्षेत्रों की बात करें तो यहां पर तीव्र गति से पवन चलती है, और जब इन क्षेत्रों में पवन का वेग अधिक होता है तो मिट्टी एक स्थान से उठकर अपवाहन क्रिया के द्वारा दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो इसके कारण से भी मिट्टी का अपरदन होता है। तो एशिया महाद्वीप में जो मृदा अपरदन होता है वो दो क्रियाओं के द्वारा होता है, एक जल अपरदन और दूसरा वायु। जल अपरदन तीन क्रियाओं के कारण से होता है। एक परत अपरदन, दूसरा दिल अपरदन और तीसरा अवनालिका। परत अपरदन का मतलब होता है जब जल के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह जहां पर नग्न भूमि पाई जाती है, नग्न भूमि का मतलब होता है ऐसी भूमि जिस पर वनस्पति का आवरण नहीं पाया जाता है, ऐसी भूमि जिस पर वनस्पति का आवरण नहीं पाया जाता है, और जैसे ही वर्षा होती है उस भूमि की या उस मिट्टी की पूरी परत एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है? परत अपरदन कहा जाता है। इसको आवरण अपरदन भी कहा जाता है, क्योंकि मिट्टी का पूरा आवरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। दूसरी बात करें अपन नील अपरदन, जैसे ही वर्षा होती है, और जब वर्षा होती है तो मिट्टी क्या होती है? जहां पर नग्न भूमि पाई जाती है वहां पर छोटी छोटी नालियों का विकास हो जाता है, और जब इन क्षेत्रों में छोटी छोटी नालियों का विकास होता है
तो इसी प्रकार के पर्दन को क्या कहा जाता है, नीला पर्दन कहा जाता है। वर्षा के कारण से जिन क्षेत्रों में नग्न भूमि पाई जाती है और अगर वहां पर छोटी छोटी नालियों का विकास हो जाता है तो इस प्रकार के अपर्दन को क्या कहा जाता है, रील अपर्दन कहा जाता है। अगर इन्हीं नालियों का आकार बड़ा हो जाता है और मिट्टी का कटाव अधिक लग जाता है तो इस प्रकार के अपर्दन को क्या कहा जाता है, अवनाली का अपर्दन कहा जाता है। जब नाली का आकार बड़ा हो जाएगा, कटाव अधिक लगेगा, तो इस प्रकार के अपर्दन को क्या कहा जाता है, अवनाली का अपर्दन कहा जाता है। तो ये तो था जल अपर्दन। इसके बाद में अपन बात करते हैं वायु अपर्दन। जब तीव्र गति से प्रवाहित वायु के द्वारा मिट्टी एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती है तो इसे क्या कहा जाता है, वायु अपर्दन कहा जाता है। और इस प्रकार की क्रिया मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक होती है। और एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप में मरुस्थल अधिक है। थार का मरुस्थल आ गया, गोभी का मरुस्थल, तकला मकान, मंचूरिया, तो इन मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु के द्वारा अपर्दन की क्रिया क्या होती है, सबसे अधिक होती है। अब इस मृदा अपर्दन को रोकने के उपाय, यानी मिट्टी के कटाव को रोकने हेतु कौन कौन से उपाय अपनाएंगे। सबसे पहली बात आती है वनस्पति आवरण। तथा संरक्षी वृक्षारोपण। अगर किसी भी क्षेत्र में बंजर भूमि पाई जाती है या ऐसी भूमि पाई जाती है जिस पर वनस्पति का आवरण नहीं पाया जाता है, या वो वाली भूमि वनस्पति नदियों के मार्ग में पड़ती है, तो उस संपूर्ण भूमि पर वनस्पति का आवरण लगा देना चाहिए या फिर बाद में संरक्षी वृक्षारोपण करना चाहिए। उसी क्षेत्र में बीच बीच में वृक्षों की सघन पट्टियां लगा देनी चाहिए। और जब बीच बीच में वृक्षों की सघन पट्टियां लगा दी जाएगी तो उस क्षेत्र में मिट्टी का कटाव कभी भी नहीं होगा। तो सबसे पहली बात यही आती है भाई, जिन क्षेत्रों में नग्न भूमि पाई जाती है या वनस्पति का आवरण नहीं पाया जाता है वहां पर वनस्पति आवरण या संरक्षी वृक्षारोपण करना चाहिए। दूसरी बात आती है समोच्च रेखीय दीपक। कई बार क्या होता है, जैसे भूमि का ढाल होता है उस भूमि के ढाल के अनुरूप अपन जुताई करते हैं। जैसे भूमि का ढाल होगा उसी अनुरूप भूमि की जुताई कर दी जाती है। तो इसमें क्या होता है, किसान पहले से ही नाली का विकास कर देता है और जब तीव्र गति से वहां पर जल बहेगा तो उस नाली का आकार और भी बड़ा हो जाता है, कटाव क्या लगता है, अधिक लगता है। अगर अपना ढाल इस प्रकार से है तो अपन जुताई इस प्रकार से करेंगे तो जो जल होगा, जैसे जुताई ऐसे कर दिया अपने, अगर जुताई ऐसे करते तो पानी फिसलता हुआ यहां से आता है, कटाव क्या लगता है, अधिक लगता है। और जुताई अपने ऐसे की तो पहले जल क्या होगा, एक नाली में,
ये दीवार के समान खड़ी रहेगी तो जल का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके बाद में जल दूसरी नाली में आएगा, फिर तीसरी में आएगा, जब तक जल का वेग क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जल का वेग कम होने के कारण अपना जो कटाव है वो क्या लगेगा, कम लगेगा। इसके बाद में आता है वेदी का कारण। ये वाली जो विधि है वो सबसे अधिक ढाल वाले क्षेत्रों में अपनाई जाती है। जिन क्षेत्रों में मिट्टी का ढाल अधिक पाया जाता है या जहां पर पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में पर्वतीय ढाल के अनुरूप सीढ़ीनुमा खेतों का विकास कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जल का कटाव अधिक लगता है, अतः उन पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेतों का विकास कर लेना चाहिए ताकि जल का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आज जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर वेदीकरण विधि को अपनाते हुए उन क्षेत्रों में चाय की और चावल की कृषि की जाती है, पर यह वाली विधि पहाड़ी ढालों पर अधिक अपनाई जाती है। उन क्षेत्रों में ढाल के अनुरूप किसका विकास कर लिया जाता है, खेतों का विकास कर लिया जाता है, और वहां पे कटाव क्या लगता है, कम लगता है। अगली बात आती है फसल चक्र को अपना। अपन जैसे रबी और खरीफ दोनों फसलें बोते हैं, एक बार इस खेत में गेहूं की फसल आ गई तो अगले फसल वर्ष में यहां पर सरसों की फसल आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बार दलहनी फसलों को बोना चाहिए, क्योंकि दलहनी फसलों में जो जड़ें होती है उसमें राइजोबियम जीवाणु निवास करता है, जो कि नाइट्रोजन को सीधे रूप से नाइट्रेट के रूप में उपलब्ध करवाता है। और जब नाइट्रोजन को सीधे रूप से नाइट्रेट में उपलब्ध करवाता है तो उस खेत की उर्वरा शक्ति नष्ट नहीं होती, और जब उर्वरा शक्ति नष्ट नहीं होगी तो वहां पर उत्पादन क्या होगा, अधिक होगा। अतः फसल चक्र को अपनाते हुए उस भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखा जा सकता है। इसके बाद में आता है पट्टीदार कृषि। पट्टीदार कृषि को अपनाते हुए अपन मृदा के अपरदन को रोक सकते हैं। कई फसलें अपन देखते हैं जिनकी जड़ें मूसला जड़ होती है, और कुछ फसलें ऐसी होती है जिनकी जड़ें अपस्थानिक होती है। मूसला जड़ें क्या करती है, भूमि को जकड़ देती है, और जब भूमि को जकड़ देती है तो उसमें कटाव नहीं लगने देती। आते जैसे अपने फसल बो दी, फसल बोने के बाद में जो एक पट्टी है वो मूसला जड़ों वाली फसल की लगा, तो वहां तक जैसे ही जल आएगा तो कटाव नहीं लगेगा, और जब कटने नहीं देगी तो मिट्टी का अपरदन नहीं होगा। तो पट्टीदार कृषि को अपनाकर अपने मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। शुष्क कृषि, जिन क्षेत्रों में औसत वर्षा कम होती है या वर्षा की मात्रा कम होती है उन क्षेत्रों में शुष्क कृषि को अपनाना चाहिए। क्यों?
क्योंकि शुष्क जो करती है उसके कारण से खेत खाली पड़े हुए नहीं रहेंगे, और जब उस क्षेत्र में खेत खाली नहीं रहेंगे तो अगर वर्षा होती भी है तो वहां पे कटाव नहीं रहेगा, और इन क्षेत्रों में वायु के द्वारा अपरदन भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शुष्क क्षेत्रों में सर्वाधिक जो अपरदन होता है वो वायु के द्वारा ही होता है। इसके बाद में आते हैं स्थानांतरणशील कृषि पर प्रतिबंध। स्थानांतरणशील कृषि का मतलब होता है ऐसी कृषि जो कि स्थान परिवर्तन करके की जाती है, और स्थान परिवर्तन करके की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? स्थानांतरणशील कृषि कहा जाता है। किस प्रकार से करते हैं? सबसे पहले जंगलों को काटा जाता है, जलाया जाता है। काटने या जलाने के बाद में उसकी जो राख होती है उसमें बीज को या तो छिड़क दिया जाता है या बो दिया जाता है। 3 से लेकर 5 साल तक वहां पे कृषि कार्य करते हैं, और जैसे ही भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म होती है उस स्थान को तो छोड़ दिया जाता है, और पहले वाली विधि दूसरी जगह अपनाई जाती है। अर्थात जब एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पे भूमि तैयार कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले पेड़ पौधों की कटाई होती है, और जब पेड़ पौधों की कटाई कर दी जाएगी तो उसके बाद में वहां पर मिट्टी का क्या होगा? अपरदन होगा। ये स्थानांतरणशील कृषि अधिकांश जनजाति विशेष के लोग करते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति तो नष्ट होती है उसी स्थान से पेड़ पौधों को भी काट दिया जाता है। अतः संपूर्ण विश्व में जितने भी जनजाति विशेष या जनजाति बाहुल्य क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में स्थानांतरणशील कृषि पर क्या लगा देना चाहिए? प्रतिबंध लगा देना चाहिए, ताकि पर्दा अपरदन को क्या कर किया जा सके? रोका जा सके। इसके बाद में आता है पशु चारा। यानी जो चरागाह भूमि होती है उससे चरागाह भूमि के अलावा पशुओं को चराया जाता है, और जब इस भूमि पे पशुओं को चराया जाता है तो पशुओं के खुरों के द्वारा उस भूमि का विनाश हो जाता है। भूमि क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। उस भाग से वनस्पति भी नष्ट हो जाती है, और जब उस भाग से वनस्पति नष्ट हो जाती है तो धीरे धीरे उस क्षेत्र में क्या लगने लगा लग जाता है? कटाव लगने लग जाता है। अतः पशु चारण पर पूर्ण रूप से नियंत्रण पाकर या नियंत्रित पशु चराई करते हुए उस क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। इसके बाद में आता है लव नालिकाओं पर नियंत्रण। जब वर्षा होती है और वर्षा के द्वारा छोटी छोटी नालियों का विकास हो जाता है, और वही नाली अगर आकार में बड़ी हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? अवनालिका कहा जाता है। इन अवनालिकाओं में या तो वृक्षारोपण कर देना चाहिए, और या फिर बाद में यहां पर बांध का विकास कर देना चाहिए। या तो वृक्षारोपण कर देना चाहिए या बांध का विकास कर देना चाहिए। इससे जल का जो प्रवाह वेग है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और जैसे ही जल का प्रवाह वेग कम होगा मृदा का कटाव क्या होगा? रुक जाएगा। अतः जहां पर अवनालिकाएं होती है वहां पर वृक्षारोपण और बांध का निर्माण करते हुए इन क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। इसके बाद में आता है
बाढ़ क्षेत्र का संरक्षण। जिन क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है, वर्षा की अधिकता के कारण से उन क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसे हांगो नदी क्षेत्र है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र है, तो यहां पर जब बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके आसपास वाली मिट्टी में कटाव अधिक लग जाता है और कई बार नदियां अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती है और उसके कारण से जनधन की हानि होती है। इसी कारण से दामोदर नदी हुई, पौसी नदी हुई, हांगो नदी, इनको सोक भी कहा जाता है। तो इन बाढ़ वाले क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में वृक्षारोपण और बांध का निर्माण करते हुए इनमें भी क्या किया जा सकता है, कटाव को रोका जा सकता है। आज के लिए इतना ही।